हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपनी चैनल स्मिता प्रकाश ब्लॉग पर। तो फिर जैसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं बड़ौदा की सिटी टूर पर। हम पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाए थे बड़ौदा की सिटी का, लेकिन आज मैं डिटेली आपको दिखा रही हूँ बड़ौदा के सिटी टूर पर। अभी हम घर से निकल रहे हैं, सुबह की 8:30 या 9 ऐसा कुछ बजा है, 8:45 बजा है अभी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बड़ौदा के सिटी जाने के लिए, और ये रास्ता हमारे घर से आ रहा है। बहुत बार मैंने आपको दिखा चुकी होंगी, लेकिन चलिए मेरे साथ हम लोग चलते हैं बड़ौदा के सिटी। और ये भी देखिए, ये रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगा, क्योंकि ऐसे तो सिटी जो होता है ना, सभी जगह में सिटी रहता है, और सभी सिटी में बहुत सारे भीड़ रहता है वहाँ पे, सभी को पता है। जैसे भी आप देखो, दिल्ली के हो या फिर आप कोई भी जगह, दिल्ली के जैसे चांदनी चौक में जैसे भीड़ रहता है, ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारा भीड़ रहता है, क्योंकि एक सिटी है जहाँ पर सब चीज़ मिल जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक डाला है, ये है संगम का चार रास्ता बोलते हैं यहाँ पे, और ये चार रास्ता ये ऐसा है कि एक लेफ्ट राइट और सामने की तरफ से रास्ता है। हम लोग सामने की तरफ से गए, तो यहाँ पे एक पुलिस का चौक भी रहता है, छोटे छोटे भी रहता है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना भी मुश्किल रहता है। और यहाँ पर हम लोग सीधे जा रहे हैं सिटी की ओर। राइट साइड में एक छोटा सा काली मंदिर, काली माता की मंदिर है, तो वहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाज का मंडी है, जैसे उसका नाम है हाथी खाना। वहाँ पे हर तरह की जैसे राशन का वगैरह सभी सामान होलसेल रेट में मिलता है, और बहुत किफ़ायती है, अच्छा भी है। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं वहाँ पर। और ये है टोटल हमारी सिटी का स्टार्टिंग, जो हाथी खाना से हम लोग अंदर जा रहे हैं। बॉस बॉस सभी जाता है इधर से। ये रास्ते से मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ, ये रास्ते से कभी मैं जाती हूँ, कभी रिटर्न होता है तो मैं दिखा देती हूँ, ये हमारी सिटी का रास्ता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है वहाँ यहाँ पर। और यहाँ पे सिटी के अंदर जाते जाते यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे बहुत ज़ोर से मंदिर में आरती वगैरह सब बजता है, अच्छा लगता है। और चारों तरफ देखिए दुकान ही दुकान है, भीड़ भाड़ है। पहले तो ट्रैफिक नहीं था, अभी लेकिन ट्रैफिक हो रहा है। चार रास्ता है इधर, ये भी एक चौकी है, और यहाँ पर कभी कभार ट्रैफिक लगता है, कभी कभार नहीं लगता है। और लेकिन थोड़ा जैसे दिन बढ़ता जाएगा और भीड़ भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह आ गए थे। 9:15 या 9:30 बजे के अंदर हम लोग सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे, और सिटी के अंदर पहुंचते पहुंचते ना भीड़ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये हम एंट्री कर रहे हैं पहला गेट की तरफ, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अंदर। वैसे तो वो गेट का याद में भूल जा रही हूँ, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। सभी जगह का नेम रहता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दुकान है, बहुत सारा शॉप्स है यहाँ पर। भीड़ अभी बड़ा नहीं है, धीरे धीरे बढ़े। जिनका दुकान है वो लोग गाड़ी वाड़ी रख के अंदर दुकान के अंदर जा रहे हैं, जिनको शॉपिंग करना है यहाँ पर पार्क करके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर एक माता जी का मंदिर भी है, आपको दिखाऊंगी। सिटी बस जा रहा है आगे, ये जिससे हमारा लोकल बस है। यहाँ पे बहुत सारा व्हीकल कब से पड़ा है, जब से मैं आती हूँ तब आई हूँ तब से देखी हूँ कि वहाँ पे 2-3 पुलिस का वैन पड़ा हुआ है। और ये है मार्केट हमारे सिटी के ओर, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो वहाँ पे एक माता जी का मंदिर है। आप लोग जो हैदराबाद में चार मीनार देखे होंगे, और जैसे चार मीनार में रहता है ना माता जी का मंदिर, एक रहता है मीनार के नीचे,
वैसे ही यहाँ पर भी वो फोर्ट के नीचे माता जी का मंदिर है, बहुत भीड़ रहता है संडे के दिन। और कोई भी नवरात्रि हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, माता जी का बहुत भीड़ रहता है वहाँ पे। यह बैंक ऑफ बड़ौड़ा, बड़ौड़ा का मेन ब्रांच है, टोटल इंडिया का मेन बैंक ऑफ बड़ौड़ा का मेन ब्रांच है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और यहाँ पे माता जी का मंदिर है, छोटा सा माता जी का मंदिर है, लेकिन बहुत भीड़ रहता है, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। ये पूरा भर जाता है संडे के दिन, बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। और कुछ लिखा हुआ है, शायद कोविड के चलते बंद था अभी। अभी हम लोग पहुँच गए सिटी के अंदर, और यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, तो हम लोग ऐसे जगह में पार्किंग कर रहे हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ ना हो। और गाड़ी हम लोग रख के अभी चल के जाएंगे, क्योंकि सिटी के अंदर गाड़ी चलाना मुश्किल है। ले तो सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा रहते हैं ना, तो फिर गाड़ी में प्रॉब्लम होता है। ये सिटी के अंदर देखिए, यहाँ पे सब ये शुरू हो रहा है, हम लोग रास्ते के दूसरी साइड जाएंगे। अब देखिए हम लोग अंदर ही घुस रहे हैं। हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, छोटे से छोटे चीज़ लेके घर का हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सब क्रॉकरी का सामान है, यहाँ पे प्लास्टिक का है, यहाँ पे देखिए टेबल कवर है, जैसे टीवी कवर और वॉशिंग मशीन का कवर, सब कवर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और हर जगह में ना सेपरेट सेपरेट चीज़ें, जैसे घर का हम लोग का लाइटिंग का रहता है, जैसे हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं, झूमर लगाते हैं, उसका पूरा एक रो, पूरा वो सब मिलेगा। लहंगा चोली रो, ये सब एक रो में आपको सब मिल जाएगा, बहुत सारे शॉप्स है वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है, रिजनेबल रेट है, मैं आपको दिखाऊंगी, सब रिजनेबल रेट है। और बहुत भीड़ रहता है, अभी हम लोग सुबह सुबह आए हुए हैं तो भीड़ थोड़ा कम है, दिन बढ़ते ही लोग आने लगेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, आप 15-20 दुकान घूमो और सभी चीज़ का बार्गेनिंग करो, जो मज़ा है ना, वो एक्चुअली वो आप शॉप मतलब हो यहाँ पे जाते हो, कोई भी मॉल वॉल जाते हो ना, वो मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे टीवी कवर, जैसे मैंने बोली आपको, सोफे कवर, यहाँ पे देखो फैन का सब एक्सेसरीज मिल जाएगा आपको, पंखा का, ये लाइन में पूरा वही चीज़ रहेगा। और बेड शीट से लेके एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। और सुबह सुबह लोग कम हैं तो फिर हम लोग अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे दिन भीड़ बढ़ते जाएगा ना आपको अच्छे से, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगा। और कहीं कहीं दुकान में ना फिक्स्ड रेट लगा के रख लेते हैं, कि इतना फिक्स है, लोग ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ही अच्छा रहता है, नॉमिनल रहता है, तो बार्गेनिंग करने की गुंजाइश नहीं है। और जिसको बार्गेनिंग करनी होती है ना, वो भी ज़्यादा लगता है, उसको भी कम करने के लिए लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सब सब है, हम लोग सीधा सीधा ही जा रहे हैं, दुकान अभी भी जस्ट खुला है। खमन हाउस है एक साइड में, हम लोग एक बार खमन लेके गए थे, बहुत ही टेस्टी था उसका। और घर का हर एक चीज़ आपको, मैं बोलूँ ना, हर एक चीज़ आपको यहीं पे मिल ही जाएगा, कोई भी बर्तन का हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ एवरीथिंग मिल जाएगा। हम लोग लेफ्ट साइड मुड़े, राइट साइड जाते हैं, तो वहाँ पे मैं और एक बार आपको दिखाऊँगी। राइट साइड में सभी बर्तन का, जैसे स्टील का, हर चीज़ वहाँ पे है। मैं और एक बार जाऊँगी तो आपको ज़रूर शो करवाऊँगी वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग अंदर जाके दिखा रही हूँ मैं आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे कैपीज है, बच्चों का शॉर्ट है, जैसे हम लोग प्लाजो पहनते हैं, देखो 150 में ये प्लाजो मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि प्लाजो आराम से पहन लो, ऊपर एक बनियान पहन लो, बस काम खत्म, टी शर्ट पहन के जाओ। और प्लाजो का रेट देख लिया आपने, 150, जो आपको शोरूम में जाओगे तो ये कभी भी आपको 150 में नहीं मिलेगा, आप लोगों को पता है। और हर चीज़ मैंने वहाँ पे देखे कि सभी रिजनेबल है और बहुत अच्छा लगता है, एक ही चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए टॉप्स है, ये जो टॉप्स है ये भी 150 का है और अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, प्राइस एफोर्डेबल है, प्राइस के हिसाब से मटेरियल भी बहुत अच्छा है।
बहुत मतलब ज़्यादातर जो जैसे हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो सारा सामान सही है। 150 में आपको प्लाजो मिल जाता है, 150 में आपको ऊपर का कुर्ती या फिर टॉप्स मिल जाता है, तो क्या बात है। मैंने जस्ट देखने गई थी कि कैसा है ये सब। हर चीज़ मैंने वहाँ पे देख रही थी कि प्राइस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी के एपिसोड मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही पहला मैंने आपको दिखा लिया और दूसरा पार्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बोलिएगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में रहा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर आऊँगी दूसरे पार्ट लेके। बाय बाय।